चलिए सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, फिर से ठीक है, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो ठीक है, कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा? नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीतू राघव है जी। कहाँ से आप? मैं मुरादाबाद से। कदर ये जब आप हमारे पास आए थे तब आपको क्या दिक्कत थी और कब से शुरू हुई थी आपको? मुझे ये 2015 से परेशानी थी, मैं जीने पे से गिर रही थी, तब से मुझे परेशानी थी काफ़ी जी। क्या दिक्कत थी आपको? मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता था और कमर से लेके फिर ज़्यादा टाइम हो गया तो पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया था। पूरे शरीर में? सर से पैर तक? हाँ, मेरा एक हाथ काम करना बंद कर गया था। अच्छा, 2015 से 17 के बीच में ज़्यादा परेशानी हो गई थी। आपको इतने समय परेशानी रही तब आप किसी डॉक्टर के पास गए? काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई थी। क्या बोला आपको डॉक्टर्स ने? उन्हें नहीं पता चलता था कि क्या परेशानी है, तो वो ऐसी कमजोरियों की दवाई दे देते थे कि इन्हें कमजोरी है, ठीक हो जाएंगी ऐसी। लगभग कितना समय आपने मतलब डॉक्टर्स के पास लगाया? किस? 5-6 साल। 5-6 साल। 2015 से दिक्कत थी ना आपको? जी। उस टाइम क्या क्या दिक्कत थी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मेरा राइट हैंड से मैं कुछ लिख नहीं पाती थी और चलने में काफ़ी परेशानी होती थी, मैं पूरे दिन सोती ही रहती थी। मेडिसिन से या पेन की वजह से? पेन की वजह से भी, और मेडिसिन जो थी वो हैवी थी काफ़ी, मतलब सुलाने के लिए, तो वो सोती रहती थी मैं पूरे दिन। और सिम्टम्स क्या क्या थे उस टाइम? सिम्टम्स चलने में दिक्कत होती थी और सर में दर्द रहता था भारी, और हाथ तो पूरा काम ही नहीं करता था, और एकदम काम करने के बाद ये रहता था कि सो जाओ बस। फिर क्या किया आपने? काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने काफ़ी हैवी मेडिसिन चलाई जो काफ़ी नुकसान दे रही थी मुझे। क्या कहते थे वो लोग आपसे? वो तो बस यही मतलब कि इन्हें कमजोरी है, बस बहाने कर रही हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको मिला हो कि हाँ ये बात सही है डॉक्टर ने बोला, ऐसा कुछ कोई डॉक्टर मिला? ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो मेडिसिन जैसा आप खाते थे तो रिलीफ मिलता था उनसे कुछ? हाँ, 1-2 महीने के लिए रिलीफ, या जब तक दवाई चल रही है तब तक, उसकी दवाई खत्म होने के बाद फिर वही परेशानी शुरू हो जाती थी। कितने डॉक्टर चेंज कर दिए होंगे? समथिंग 22-23। 23 डॉक्टर आपने चेंज किए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको ना? नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास कैसे आए आप? पापा के फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके पास वो विजिट कर रहे हैं और उनका हाथ काफ़ी ठीक हो गया तो मैं आपके पास विजिट करूं, तो दिसंबर में मैंने आपके पास विजिट किया। जब आए थे तब सिम्टम्स क्या थे आपको, क्या कंडीशन थी आपकी? तब मेरे एक हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, राइट में ही वही प्रॉब्लम, और चलने में पूरी परेशानी थी, मैं 3-4 दिन से रेस्ट पे थी। सीवियर कंडीशन में थे आप जब हमारे पास आए थे ना, और उम्मीद थी नहीं आपकी कि इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा? नहीं। हमारे पास समथिंग कितना टाइम हो गया आपको? 3 मंथ। 3 मंथ हो गए, और जो दिक्कत आप फील करते थे उस टाइम कितनी सेटिंग में, उसको लगभग काफ़ी हद तक बेटर हो गया था? काफ़ी बेटर हो गया, 95%। 95% हो गया ना जी। हमारे पास 2-3 सेटिंग के बाद आपका पेन ऑलमोस्ट चला गया था ना जी? बिल्कुल। हाँ, हमने कोई दवाई वगैरह दी आपको? नहीं। या अदर कोई मेडिसिन वगैरह? नहीं, नहीं 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 ना।
तो आपको यहाँ का ट्रीटमेंट कैसा लगा? अदर जैसे आपने बाकी ट्रीटमेंट लिए हैं डॉक्टर्स वगैरह की, काफी डॉक्टरों को आपने दिखाया, उनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैसा ट्रीटमेंट रहा आपका? बहुत अच्छा रहा है। बेटर है जी। ऐसे केस जैसे आप हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लॉन्ग टाइम से दवाई खा रहे हैं बिना किसी मतलब के, आप जब दिखाने जाते हो तो आपको मिले होंगे ऐसे पेशेंट जी। बिल्कुल। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि ये थेरेपी बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, वो एक बार जरूर कराएं बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी के। जी। मिनिमम टाइम में रिकवर हो जाएंगे जी। बिल्कुल।